वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारे पास एक पार्सल आया है जिसके अंदर 1.5 सेट टॉप बॉक्स है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये पार्सल कहाँ से भेजे है। ये पार्सल भेजे है रत्नाकर मंडल जी ने भेजे है बीरभूम वेस्ट बंगाल। और इस तरफ है ये मेरा एड्रेस है और ये पार्सल हमारे पास आए है पोस्ट ऑफिस से। तो इस पार्सल को खोल के देख लेते हैं इसके अंदर कौन सा सेट टॉप बॉक्स भेजे है रिपेयर के लिए। तो इस पार्सल को हमने इस साइड से खोल लिए, आप निकाल लेते। तो यहाँ पे उन्होंने दो सेट टॉप बॉक्स भेज दिए हैं। एक तो ये कैट विजन का है और दूसरा एक बॉक्स है ये मेलबोर्न का। ये दो बॉक्स भेजे हैं और इसको एक बार खोल के देख लेते हैं इसके अंदर लगता है कुछ है क्योंकि ये हैवी है। और देख सकते हैं इसके अंदर भी और भी दो रिमोट है। ये मेलबोर्न का एक रिमोट है, एक TYC का रिमोट है। उसके बाद यहाँ पे और एक कार्ड है, GX का एक कार्ड है। और यहाँ पे और एक कार्ड है। तो टोटल उन्होंने ये दो कार्ड और दो सेट टॉप बॉक्स, तीन रिमोट और एक फ्रंट पैनल, ये सब कुछ भेज दिया है। तो देख लेते हैं सभी में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व भी करेंगे। तो ये सभी कार्ड और बॉक्स को एक बार टीवी में लगा के चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा देख जाइए। तो दोस्तों हमारे पास ये जो सेट टॉप बॉक्स और कार्ड आए हैं तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये मेलबोर्न का है इसका बोर्ड में इस सेटअप बॉक्स में इसका जो बोर्ड है उसमें फ्लैश आईसी नहीं है और इसमें वायर भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। जो सही है उसमें से हम चेक करते हैं, जैसे कि कैट विजन का ये सही है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम HDMI से कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसको पावर दे के देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। तो पावर दिए तो यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है और टीवी स्क्रीन पे ये कैट विजन का लोगो भी आ गया है। लोगो आ रहा है और जा रहा है, ऐसा हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार बूट लोगो आ रहा है, उसके बाद चला जा रहा है, फिर बूट लोगो आ रहा है। इस तरह इस सेट टॉप बॉक्स में प्रॉब्लम है। और जो कार्ड आए हैं इसको एक बार देख लेते चेक करके। इसको हम HDMI से कनेक्ट कर लेते और आप देते इसमें पावर। तो इसके अंदर पावर दिए तो कुछ नहीं आ रहा है, इसको बाद में देखेंगे, इसमें भी प्रॉब्लम है हार्डवेयर का। आप ये वाला कार्ड को एक बार चेक कर लेते HDMI और यहाँ पे दे रहे पावर। तो ये कार्ड भी ऑन नहीं है, ये सभी कार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सभी को एक बार हम चेक करते हैं, उसके बाद जो जो हो सकता है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। आप वीडियो पूरा देख जाइए। तो दोस्तों हमारे पास ये जो दो बॉक्स और दो कार्ड आए थे तो मैं इसमें से जो जो सही हुआ है वो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कार्ड था, इसका प्रॉब्लम इसका सॉफ्टवेयर था, इसका IC निकाल के इसके अंदर सॉफ्टवेयर कर दिए तो ये कार्ड सही हो गया है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक IR सेंसर लगाया है छोटा सा, आपको चला के दिखाने के लिए। तो इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम HDMI
और यहाँ से पावर दे रहे, तो इसके अंदर हमने ये वाला सॉफ्टवेयर डाले, आई स्ट्रॉन्ग का एक सॉफ्टवेयर। और ये कार्ड अभी बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये कैट विजन का जो बॉक्स, इसको भी आपको चला के दिखा देते। ये चालू हो चुका है, और इससे पहले जो इसमें सिर्फ बूट लोगो पे रुक जा रहा था वो प्रॉब्लम आप नहीं है, आप देख सकते। अब जैसे रिमोट से मेनू प्रेस किए तो यहाँ पे मेनू पे भी आ रहा है, और इसमें हमने चैनल भी चला के देखे थे, चैनल भी चल रहा है बिल्कुल ओके। यह बॉक्स भी हो गया है। उसके बाद ये जो कार्ड है इसका HDMI पोर्ट में लगता है प्रॉब्लम है, एक बार देख लेता हूँ। तो ये कार्ड भी ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। लेकिन इसका HDMI में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये कार्ड भी चालू हो चुका है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पावर देके फ्रंट पैनल में दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बूट लेके आया, उसके बाद चैनल नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चैनल नंबर भी आ चुका है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे जैसे प्रेस किए बटन, तो इस यहाँ पे चैनल चेंज भी हो रहा है। लेकिन इसका HDMI में प्रॉब्लम है, ये आप इसका जो CRT टीवी के लिए जो AV केबल है, AV केबल से ये बॉक्स भी चल रहा है। और आखिर में जो ये मेलबर्न का बॉक्स, ये इसका कार्ड सही है, लेकिन इसका जो इसके अंदर एक कार्ड सही है, लेकिन इसका जो पावर सप्लाई है वो जल गया है, इस पावर सप्लाई को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये बॉक्स भी चलने लगेगा। तो हमारे पास ये जो चार बॉक्स आए थे, तो इसी के साथ ये सभी बॉक्स रिपेयर हो चुका है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई डेड बॉक्स पड़ा हुआ है, उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारे एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे वीडियो के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो फ्रेंड हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।